नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की जो हम MCQ सीरीज देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोगली महोत्सव किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में नवंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मोगली का जो जन्म स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश में माना जाता है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ पे नवंबर माह में मोगली महोत्सव मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। ठीक है, तो ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक, और अभी जो लास्ट सेंसस हुआ था, या ये कह लीजिए ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी, स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट 2019 में, ठीक है, और इसमें टाइगर्स की जो संख्या थी 2967। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला। नेक्स्ट है कि एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका राजस्थान के अंदर। ठीक, और आपसे एक कमेंट करके आपको बताना है कि जो पहले दो हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो कहाँ पर स्थित हैं। अगला है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये है आपका हैदराबाद के अंदर, ठीक है, तेलंगाना में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बना लीजिए कि तमिलनाडु के लोग जो हैं, है ना, गुंडे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है फिलहाल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट है कि कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोरिंग नेशनल पार्क ये, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। तो जैसे राजस्थान में है ना, काफ़ी डेजर्ट है, तो ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप और मैप में, चूँकि ये सारे देखिए जितने भी अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस कराए हैं एनवायरनमेंट के हो गए, ठीक, ज्योग्राफी के हो गए, तो इनको आप मैप में ज़रूर प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रिटेन हो नहीं पाते, तो आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क है ना, दो हैं ये, ठीक, नाम ध्यान दीजिएगा, तो इनको यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया। तो जैसे अभी 2016 जुलाई के अंदर इंडिया में कंचनजंगा नेशनल पार्क को जो है ये जोड़ा गया था इस लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, तो फिलहाल यहाँ पे पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क जो है ये दो स्थल दिए हुए हैं, तो ये हैं आपका मैड्रिड में, ठीक है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड के अंदर, तो इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका ओडिशा में, ऑलिव रेडेड टर्टल्स के लिए काफ़ी फेमस है, ऑप्शन ए। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपको पता है हजारीबाग कहाँ है तो गेस कर लेते हैं, तो ये है झारखंड के अंदर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, अभी हमने ऊपर बताया आपको। देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है कहाँ खोला गया है। ठीक है, तो देश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात हो रही है, तो ये है आपका कोयम्बटूर के अंदर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, नागरहोल नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, तो नागरहोल नेशनल पार्क, चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं काफ़ी बड़े एरियाज होते हैं, तो उसमें कुछ बफर एरियाज होते हैं, फिर कुछ नेशनल पार्क के एरिया होते हैं ना, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया हो गया कह लीजिए, तो अगर यहाँ पे देखें नागरहोल नेशनल पार्क जो है हमारा, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो ऑप्शन हमारा जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो शिवपुरी भी है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है,
तो यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पार्क है, इसका उद्घाटन हुआ हाल ही, और इसकी स्थिति जो है ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पॉइंट है ना, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहते हैं, ठीक है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ नीचे कुछ रेंजेस लिखी हुई हैं, जैसे जो हिमालय की रेंजेस हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो काराकोरम रेंज में आपको मिलेगा K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सही सुमेलित करना है आपको, ठीक। तो कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं और उसकी सर्वोच्च चोटी है, तो जैसे रॉकी पर्वत है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, ये ठीक है पेयर। आल्प्स पर्वत, तो इसका माउंट ब्लैंक, ये भी ठीक है। यूराल पर्वत, गोरा वेलुखा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है हमारा थर्ड वाला। तो ऑप्शन हमारा जो ए है ये यहाँ से करेक्ट होगा। अब इसकी अगर आप हाईएस्ट पीक देखें तो ये है माउंट ठीक है, माउंट नैरोडन्या, ठीक है। और इसकी जो ऑलमोस्ट हाइट है दैट इज अराउंड 1800, अराउंड 1900 है ना फिट, सॉरी मीटर, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे हम, वही यहाँ पे इंग्लिश में है। आल्स पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है, ठीक। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट ब्लैंक है, तो स्टेटमेंट टू जो है दैट इज ओनली करेक्ट। और अगर इसकी कंट्रीज अगर आप देखें तो ये स्विट्जरलैंड, ठीक, मोनाको, इटली, फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ठीक है, इन सब कंट्रीज में इसकी अवस्थिति है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो दो था सिर्फ वो करेक्ट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से सुमेलित है या फिर है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन हमारा टू करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है, मतलब कि फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो अगर देखें आप तो इसमें से जो वॉस्गेस है, ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है वो कौन सा है इसमें से, ठीक। तो ये है आपका अरावली रेंजेस, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन और हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन रिवर नर्मदा एंड ताप्ती। तो अगर नर्मदा और ताप्ती के बीच आप देखेंगे तो आपकी सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं इनकी अवस्थिति मिलेगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धूपगढ़ पीक जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये सतपुड़ा रेंजेस में है, हाईएस्ट पीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो जो पटकाई श्रेणियां हैं ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीज आर द लेटेस्ट वन, न्यूएस्ट। द स्टेट इन विच नीलगिरी माउंटेन्स इज लोकेटेड, ठीक है। तो नीलगिरी माउंटेन जो आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे तो तमिलनाडु, ठीक। ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जास्कर रेंज जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जास्कर जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए। हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन एट, ठीक। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ऑप्शन सी। पीर पांजाल रेंज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पीर पांजाल रेंज भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। फिर है कि इन विच स्टेट महादेव हिल्स इज लोकेटेड, ठीक है। तो महादेव हिल्स जो है आपकी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे कि महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ जो हैं वो सतपुड़ा पर्वत के भाग हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश में आप कह लीजिए कुल्लू वैली देख रहे हैं, तो ये आपका धौलाधौर और पीर पांजाल की जो रेंज है उसके बीच में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड, ठीक। तो कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो ये आपका ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल के बीच स्थित हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक रेंज जो है इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अगर आप 11th क्लास वाली NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे जितने भी टाइम पीरियड या इतने ये जो हमारे कह लीजिए टाइम फ्रेम के काल हुए है ना, इन सब की लिस्टिंग्स और उनके ईयर्स दिए हुए हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा।
तो इसके लिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो सिनोजिक है ना, पीरियड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। शिवालिक रेंजेस जो हैं, जो न्यूएस्ट हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज, ठीक है। तो जो हिमालय का पर्वतीय पदी भाग है, पर्वत पदी प्रदेश है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को तो शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन्स इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो भारत के देश की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा जो है भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। तो जैसे भारत का ही मैप है, तो यहाँ नीचे तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है इसको हम जानते हैं ये कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। वेयर वॉज शेवराय हिल्स, सॉरी वेयर वर शेवराय हिल्स लोकेटेड, तो शेवराय की जो पहाड़ियां हैं इनकी अवस्थिति आपको मिलेगी तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स, ठीक है। पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये है ऑलमोस्ट 1365 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये छोटा नागपुर का जो हमारा प्लेटू वाला रीजन है, तो वहाँ पे झारखंड में है ना, गिरी डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके रेंजेस में आपको ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। अगला है कि मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ, तो ठीक है, तो जो मेघालय का प्लेटू है हमारा वो पार्ट है हमारा पेनिनसुलर रेंज का, ठीक है। हिमालय का इसको मत मानिएगा, ये प्रायद्वीपीय खंड का पठार है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया ये। अगला है कि गढ़सोप्पा जलप्रपात अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है। गढ़सोप्पा वाटरफॉल जो है ये वेस्टर्न घाट्स में है, ऑप्शन ए। अगला है कि कयाल क्या होता है, ठीक है, कयाल के फॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो अब देखेंगे अगर, तो जो केरल के लगूंस हैं है ना, इनको ही बोलते हैं हम कयाल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किन देशों में से किस एक में बरेल पर्वत श्रृंखला जो है इसकी अवस्थिति है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बरेल पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है और ये भारत में ही मिलेगा आपको, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि द लेसर हिमालयाज इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है। तो जैसे ये हिमालय की रेंजेस है ना, तो ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, फिर लेसर हिमालय हो गया, फिर इधर ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। तो अब लघु हिमालय की बात हो रही है, लेसर हिमालय, तो ये है आपका शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में, ठीक, ऑप्शन बी। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड, ठीक है। तो जो गुरु शिखर चोटी है ये अरावली रेंजेस का भाग है और ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए। अराकानियोमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, और ये लोकेटेड कहाँ पर है आपको ये बताना है। अराकानियोमा की जो स्थिति है ये है आपका म्यांमार में है, भारत के पूर्वोत्तर के नीचे है ना, ये वाला जो पार्ट है म्यांमार का वहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि व्हाइट माउंटेन्स आर फाउंड इन, तो ये मिलते हैं आपको अमेरिका में, यूएसए में, ऑप्शन डी। अब देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपको चूज करना है, तो यहाँ डेजर्ट है और कंट्रीज हैं, ठीक। तो इसमें से जो गिब्सन है ब्राज़ील दिया हुआ है, ये मैच नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा ये यहाँ से करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये इसकी सही स्थिति हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे कि रेडियो एक्टिव थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता का सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया, तो ये किया गया जोली ने, ठीक, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, मैप पे लोकेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।